नमस्कार, आज हम चंद्र पर्वत पर बनने वाले स्टार चिन्ह के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टार का जो चिन्ह है वो सबको पता होगा, ऑलमोस्ट आप लोग बहुत सारे चैनल्स भी देखते होंगे, काफ़ी यूट्यूब में इसके बारे में चर्चा हुई है और बहुतों ने इसको बहुत सकारात्मक चिन्ह के रूप में इंगित किया हुआ है और बहुत लोगों ने इसको नकारात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ये दो तरफा रिज़ल्ट आपको क्यों देखने को मिल रहा है, आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई गलत बता रहा है या कोई सही बता रहा है, सबका अपना अपना ज्ञान है, अपने अपने रिसर्च अनुभव के आधार पर लोग कहते हैं। मैं भी अपना अनुभव यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और अगर आपके हाथ में ये चिन्ह बना हुआ है तो आप देखिए कि मेरी कही हुई बातें कितनी हद तक आपसे मैच होती हैं, और अगर लगे कि मैच होती हैं और दोबारा मुझे सुनना चाहिए ऐसा आपको महसूस हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मैं कंटेंट शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो स्टार का चिन्ह है ना, इसको मैं एक जस्ट आइडिया के लिए बता दूँ, जब एक बिंदु पर तीन रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं तो उसको हम स्टार का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये चिन्ह जैसे मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को इंगित करता है। तो क्या चीज़ में पॉजिटिव होगा, क्या चीज़ में नेगेटिव होगा, तो कहीं पर भी स्टार का जब चिन्ह बनता है ना, तो स्टार का काम क्या होता है, स्टार का एक ही काम है, वो आपकी ऊर्जा को विस्फोट करता है। ठीक है, यानी उसमें बढ़ावा आता है, तेज बना देता है उस चीज़ को। ठीक है, तो चंद्रमा को तेज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी कल्पनाशीलता, चंद्रमा मन है, मन की चंचलता, कल्पनाशीलता आदि चीज़ों को ये बढ़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा आदमी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति इसके में प्रधान होगी। अब देखिए, ये जो शब्द मैंने कहा कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा प्रधान होगी, अब चलिए हम इस चीज़ को ना दो एग्जांपल लेते हैं। एक कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अपनी ख्यालों में खोया रहता है, जिसको हम पागल कहते हैं, ठीक है ना, वो भी अपने कल्पना में बहुत बिजी है, कल्पना में डूबा हुआ है, एक हो गया। और एक हो गया जो साइंटिस्ट है, वो भी अपनी कल्पना की दुनिया में डूबा हुआ है, कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ खोज कर रहा है, बस उसी में समर्पित हो चुका है। अब क्या ये दोनों के व्यवहार में इस स्टार चिन्ह का अलग अलग प्रभाव होगा क्या? बिल्कुल, स्टार का जो चिन्ह है वो तो अपना प्रभाव दे रहा है ना, तो बाकी चीज़ों को भी, यानी कि हथेली के बाकी बिंदुओं को भी मैच करना पड़ेगा, तब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चूँकि हम आज एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है ना, चलिए, तो मैंने जैसे कहा कि आपको ये कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है ये काफ़ी डीप थिंकर हो सकता है, बहुत गहराई में जाकर सोचने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोचेगा, कोई रिसर्च की एक्टिविटी है, कुछ खोज का काम है, कुछ ऐसा कुछ एनालिसिस का काम है, ऐसे लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड हो गया इसका। अब कुछ बातें इनकी ऐसी बातें करता हूँ जो आपको आपके हाथ में है, आप देखिए अपने आप व्यक्तित्व में झाँकी, अपने अंदर झाँकी और देखिए मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। ऐसे ये क्या है ना, जनरली ये रोग को बताता है, स्टार का चिन्ह रोगों को बताता है, शरीर में होने वाले रोगों को बताता है। अब कैसे रोग होते हैं ऐसे लोगों को, जनरली ऐसे लोगों को अगर लेडीज़ है तो हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो आपको जनरली देखने को मिलेगा ही। और जेंट्स में है तो गुप्त रोगों की संभावना ऐसे लोगों को बहुत होती है। ठीक है, दूसरा चीज़, ये आपके याददाश्त को कम करता है। अब ये बड़ा ही अलग बिंदु मैं बता रहा हूँ इसको, लेकिन आप आजमाइए, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इनका जो सोच है ना, बड़ा ही चंचल बनाता है, विस्फोटक एनर्जी है ये, तो एक चीज़ को जहाँ पे ये केंद्रित करना चाहते हैं वहाँ पे ये केंद्रित नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ों में टहलते रहते हैं या फिर उसकी गहराई में डूबते 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 जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके कारण से इनका जो याददाश्त है वो आपको थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिलेगा, ये 100% वाली बात आती है इनके साथ में। ऐसे लोगों को जो पानी से संबंधित, अगर मैं कहूँ झरना, झील, तालाब, समुद्र, ये थोड़े से डरते हैं, जल से भय इनको होता है और होना भी चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखें, गहरे पानी पे जाते समय थोड़ा सा सावधान इनको होना चाहिए, ये जल से भय या जल से संबंधित कोई खतरे को भी इंडिकेट करता है। ठीक है,
अब देखिए, अगर आपका चंद्रमा दबा है, चंद्र पर्वत आपका दबा हुआ है, ठीक है, या फिर चंद्र पर्वत एकदम फ्लैट है, यहाँ पे जैसे गोलाई होता है जनरली, यहाँ पे इस हिस्से में गोलाई ना होकर फ्लैट है किसी का, और उस पर स्टार बना है, तो ये आपकी अंदर में नकारात्मक सोच को भरता है, ये आपको हतोत्साहित करेगा, ठीक है, आपको पहले से ही हार मान जाना, नकारात्मक सोच जनरेट हो जाना कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें इनके साथ में जनरली होते हुए आपको दिखेंगी। लेकिन अगर हाँ, चंद्र पर्वत अच्छा है, ये चौड़ाई लेके चल रहा है, यानी कि गोलाई लेके चल रहा है और डेवलप्ड है, तो ऐसे लोग अच्छे पॉजिटिव साइड इनका क्या रहता है कि ये गहराई में डूबते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान के पिपासु किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, ये ज़रूर मैं कहूँगा, किसी एक बिंदु पर बहुत ज़्यादा डीप ज़्यादा सोचने वाले ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक बिंदु ये भी आता है यहाँ पे। अब दूसरा जो एक कॉमन बिंदु मैं बता रहा हूँ, चाहे दबा हो चाहे ना दबा हो, ये आपके साथ में 100% देखने को मिलेगा। देखो, ये संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, आपको संतान की कोई ना कोई प्रकार की पीड़ा, चाहे संतान होने में दिक्कत, चाहे संतान हो गई तो संतान के कारण से कोई पीड़ा, ये देखने को मिलता है। संतान से संबंधित चीज़ के लिए ये सही नहीं, संतान से संबंधित कोई ना कोई कष्ट पीड़ा को ये बताता है, कोई चिंता को बताता है, ठीक है। अब चूंकि ये चंचलता में विस्फोट कर रहा है आपके मन के अंदर में, है ना, तो एक बिंदु और यहाँ पे निकल के आता है कि ऐसे लोग को कोई एक जगह काम अगर दे दो आप, ठीक है, कोई एक जगह काम दे दो, तो किसी एक काम में इनका मन नहीं लगता, इनको बार बार बदलाव करना अच्छा लगता है, कोई एक चीज़ में मन लगाना इनके लिए बहुत कठिन काम होता है। और दूसरा चीज़, अब यही एंगल को दूसरा हम थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं, तो एक और बिंदु निकल के आता है, ऐसे लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं, ठीक है, मैंने कहा ना इनका एनालिसिस पावर बढ़ जाता है, तो हर चीज़ में एनालिसिस करने लगेंगे, ये दोस्ती को जो रिश्ता है या फिर फ्रेंडशिप का रिश्ता है उसमें भी उसकी गहराई में डूबने की कोशिश ये करने लगते हैं, उसको और जानूँ और जानूँ और जानूँ, इसके चक्कर में फिर अपनी कल्पना में और भी कुछ 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 एंगल निकालते रहते हैं, इसके कारण से इनको मित्र जो है ना, इनके बहुत गिने चुने मित्र होते हैं ऐसे लोगों के, जिसको ये अपना मानते हैं, यानी कि मित्र कम होते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो इनको कोई भी प्रकार का संबंध को बना के रखना इनके लिए कठिन होता है, ठीक है, संबंध टिकने में दिक्कत होता है, चाहे वो लव अफेयर हो चाहे वो आपके दाम्पत्य के संबंधित हो, तो थोड़ा सा खटास रिश्तों में लेके आता है, वैसे मित्रता के क्षेत्र में भी लेके आता है जो मैंने कहा, तो ये कुछ बिंदु इनमें ऐसे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो स्टार का चिन्ह देखिए, यूट्यूब पे तो बहुत सारी बातें होती हैं कि आपका स्टार हो गया तो आप साइंटिस्ट बनोगे, आप बहुत बड़े कवि बनोगे, अब देखो ये आपका कला साहित्य यानी कि आपकी जो काव्य शैली वगैरह है ना, ये उस स्तर पे भी इशारा करता है, तो ऐसे लोग कवि भी हो सकते हैं, इसमें गलत बात नहीं, सही बात है, लेकिन हर कोई कवि बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, कोई आपका रिलेशन नहीं है काव्य शैली से, तो आपके लिए फिर क्या होगा, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बहुत गहराई से किसी चीज़ को सोच सकते हैं। अब देखिए एक और एंगल निकल के आएगा यहाँ पे, अब ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा शेख चिल्ली भी तो हो सकता है, ख्याली पुलाव पकाते रहेगा, कुछ करेगा नहीं, अब वो कैसे होगा, अब उसके लिए क्या होगी, आपकी मानसिकता में भी इसका प्रभाव होना चाहिए। अब जैसे कि ये आपकी माइंड लाइन निकली और चंद्रमा पर जाती हुई दिखाई दे दे आपको, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति का मस्तिष्क ही सोच विचार वाला मस्तिष्क है, और ऊपर से चंद्रमा पे स्टार भी है, तब तो फिर और ज़्यादा हो गया, तो ऐसे लोग ख्याली पुलाव ज़्यादा पका सकते हैं, ठीक है ना, इसको इस एंगल में रहना। एग्जीक्यूशन इसका कमज़ोर होगा, प्लानिंग बहुत करेगा लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कुछ अलग बात भी बताता हूँ मैं, देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है, नहीं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अब मान लो आपकी मस्तिष्क रेखा निकली चंद्रमा पर तो गई, वहाँ स्टार भी बना हुआ है, लेकिन क्या दिख रहा है, मस्तिष्क रेखा अगर स्टार को जाके छू रही है तो ये बहुत बुरा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो अपने मस्तिष्क का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको, सिर से संबंधित कोई गहरी चोट, कुछ दुर्घटना या फिर मानसिक विक्षिप्तता या पागलपन ये आदि चीज़ों को बताता है, ये अच्छा नहीं है, अगर ऐसा है तो ये मानसिक रोग को बताते हैं, कोई ना कोई प्रकार से मानसिक रोग, मानसिक पीड़ा ऐसे लोगों को गंभीर रूप से सताती है, तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, ठीक है, चंद्रमा पे गई मस्तिष्क रेखा लेकिन स्टार नीचे है या ऊपर है कोई मैटर नहीं, अलग है, कहने का मतलब टच नहीं है,
तो फिर ये आपके अंदर में कल्पनाशीलता को बढ़ा सकती है। प्लानिंग एग्जीक्यूशन जो मैं कह रहा था शेख चिल्ली वाली बात, अब उसी को दूसरे एंगल में भी ले सकते हो। बाकी अगर हाथ में बहुत अच्छे पॉजिटिव साइड हैं और ऐसा है तो व्यक्ति साइंटिस्ट भी हो सकता है, कुछ खोजकर्ता भी हो सकता है, क्योंकि वो कल्पनाशीलता में डूब जाएगा अपनी, है ना। इस तरीके से उसको समझना है। कोई भी एक बिंदु को लेकर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को पूरा हमको समझना है। तो ये कुछ बिंदु था जो चंद्र पर्वत पर बनने वाले स्टार चिन्ह के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें जो हर किसी के साथ में आपको देखने को मिलती हैं। मैंने अपने अनुभव में जो महसूस किया है वो आपके सामने रखा। अगर आपको मेरी बातें सही लगे कि कुछ मैच हुआ आपके हाथ से, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। और कुछ अलग भी लगे तो भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे लिए भी हर दिन मैं सीखता हूँ और हर दिन सिखाता हूँ, ठीक है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।